कोई भी आ सकती है, फॉर्चूनर, इनोवा और आपका महिंद्रा वालों की, ठीक है। 12 सीटर तक टेम्पू जो है वो आ सकता है, वो मैं क्लियर कर दूँ। अब देखते हैं कौन आता है। यही बात हुआ है भाई, हम लोकल है यार, ऐसा ना सोचियो। हाँ वो तो पता चल गया मेरे को कि आप शुभ। ये है भाई अपने, नाम क्या अभी आपका? प्रदीप। प्रदीप भाई, और प्रदीप भाई कैसे आप, ठीक है? बढ़िया जी, आप? बढ़िया। और सुनाओ आप? बढ़िया है सर। तो भाई मैं होम स्टे पहुंच चुका हूं और बहुत ही प्यारा होम स्टे बनाया है, जिस तरीके का होम स्टे होना चाहिए ना वैसा बनाया हुआ है। ये भी आपको ये घूमने को मिलेगा। सबसे बड़ी बात है मुझे प्लांटेशन बहुत जबरदस्त लगी है। क्यों भाई? प्लांटेशन से ऐसा कि आदमी फ्रेश फ्रेश फील करता है। हेलो ब्रदर, क्या क्या हाल चाल है? ठीक है, बढ़िया। तो ये है स्विमिंग पूल, और इसी स्विमिंग पूल की जो मैं बात कर रहा था, और ये होम स्टे है। बड़ा अच्छा बनाया है भाई, मेरे को बहुत बढ़िया लगा। प्लांटेशन हो रखी है जगह जगह, ठीक है। कहाँ कुत्ता कहाँ गया? नीचे ले गया, नीचे चला गया। ओके, अभी तुम दो ही हो यहाँ पर? नहीं, तीन। अच्छा, शेफ साहब भी है? शेफ साहब है। ओके, मेरी लोकेश भाई से बात हुई थी, तो फिलहाल मुझे कमरा दिखाएगा यार? जो मेरा जो गेस्ट आ रहा है आज दिल्ली से, उनको रूम चाहिए, मोटर चला। तो सबसे पहले मैं रूम दिखा देता हूँ आपको। इसका रूम का कुछ नाम रूम भी रखा हुआ ब्रदर? क्या नाम रखा हुआ है? 201 से स्टार्ट है। अच्छा, 201 से स्टार्ट है। ओके, वुड की जो है बढ़िया जो है अपस्टेयर बनी हुई है। यहाँ भी आपको प्लांटेशन देखने को मिलेगी, क्या बात है। ओके, यारा रूम दे रहे हो? तो रूम की एंट्री ये है भाई, ठीक है। मैं जैसे यहाँ पहले ऑलरेडी लग चुका है, नो स्मोकिंग एरिया है, याद रहे। और जो मेरे गेस्ट को जो रूम मिल रहा है वो मिल रहा है 203। ओके, यहाँ एंट्री करने के बाद आपको एक अलमीरा मिलेगी सामान सामान रखने के लिए। यहाँ कुछ भी सामान रख सकते हो, ये आपका शू के लिए हो गया। और सबसे पहले वॉशरूम, लाइट ऑन करेगा बेटा? गेस्ट जो है सबसे पहले जो है ना वॉशरूम चेक करता है, क्यों? तो वॉशरूम आप देख सकते हो, वॉशरूम नीट एंड क्लीन है, और काफी अच्छा वॉशरूम मेरे को जो है बड़ा अच्छा लगा। इस साइड टॉयलेट इस साइड रखा हुआ है। अच्छा ठीक है, ये वॉशरूम है, वॉशरूम आप देख सकते हो भाई, ठीक है। बड़ा अच्छा वॉशरूम बना रखा है, और बढ़िया बढ़िया अच्छा लगा मेरे को, गुड। ये बेडरूम है, इस साइड गैलरी है। अच्छा, ये बेडरूम है, ठीक है। इस साइड गैलरी है आपका? अच्छा, इस साइड गैलरी है। इस साइड जो है गैलरी मिल जाएगी आपको। ये मैं आपको रूम दिखा देता हूँ, यहाँ पर ये रूम है, और आप गद्दे के जो साइज है देख सकते हो। क्या कितने इंची की गद्दे होंगे? मुझे लग रहा है कम से कम 16 इंची गद्दे ही हैं, है ना? तो गद्दे का आप साइज देख सकते हो, 16 इंची गद्दे हैं। बैठने के लिए बहुत अच्छा सिटिंग एरिया दे रखा है, ठीक है। और 42 इंच की स्क्रीन की आपको टीवी मिल जाएगा। और इसका फ्रंट व्यू देखते हैं आपको, आपका इसका फ्रंट व्यू दिखाता हूँ मैं। ये इसका फ्रंट व्यू है, यहाँ से आप चाय कॉफी पीने का आनंद ले सकते हो भाई, बिल्कुल सिटी से बिल्कुल हटके हैं, ठीक है। तो फिलहाल मैं थोड़ा सा भाई लोगों के साथ गप्पे मार लेता हूँ। ये लोकल है, यहीं के नीचे जो है गांव है, और सिटी से हटकर है। गेस्ट इजिली पहुंच जाता है लोकेशन तुम देते हो, इजिली आ जाता है? मैप जो है यहाँ तक आता है? मैप यहाँ तक आती है, अमर उजाला है। हाँ हाँ, अमर उजाला से फिर हम लोग डायरेक्शन बता देते हैं। अच्छा, अमर उजाला तक जो है डायरेक्शन बताता है ना, ठीक है। कितने रूम है यहाँ पर? छह रूम है। ओके, आपको डाइनिंग टेबल दिखा देता हूँ ना मैं। हाँ, ये पकड़, ऐसे वीडियो बनाता हुआ चल। हाँ, ऐसे बोलता हूँ मैं चलूंगा। हाँ जी, चलिए। हाँ, एक मिनट, ऐसे सीधा पकड़ो, सीधा ऐसे। हाँ, चलिए। तो अभी भाई ने जो रूम दिखाया मेरे, जी सर, फेस मेरी तरफ करियो। अभी जो भाई ने जो रूम दिखाया 203 रूम दिखाया, और काफी अच्छा रूम है। फ्रंट व्यू में आपको दिखा चुका हूँ, आप दिखाते हैं। जो गेस्ट जो दिल्ली से आ रहे हैं उनको कौन सा रूम देना है? वही सर, ए और 200। हाँ जी, मैं देखना चाहूँ। कौन सा? 3 और 4 सर। 3 और 4, ठीक है। आ जाओ, ये भाई ने दिखाया 203। ओके, अब इसके साथ वाला? हाँ जी, 204। ये है सर, 204 जो है। मैं कमरे की तरफ जा रहा हूँ, अंदर जा रहा हूँ, देखते हैं यहाँ क्या फर्क मिलेगा। ओके, रूम साइज सेम है सर, सारे साइज सेम है जी। यहाँ अलमीरा का फर्क है। हाँ जी, वहाँ अलमीरा लेफ्ट हैंड साइड थी, यहाँ राइट हैंड साइड थी, बाकी सेम है, कुछ भी चेंज नहीं है, ठीक है जी। और ये आपको फ्रंट व्यू यहाँ मिलेगा देखने। हाँ जी, सेम सेम ही है ना? हाँ जी सर, ठीक है। पढ़े बड़े तनाव जी, ठीक है। फ्रंट भी तो वही है। हाँ जी, वही है वही है, फिलहाल यही है सारी चीजें। और रूम सबसे बढ़िया होते हैं, नीट एंड क्लीन है, और अच्छा लगा। और ठीक है ब्रदर जी, आइए मैं डाइनिंग रूम दिखा देता हूँ आप। डाइनिंग रूम, ठीक है, डाइनिंग रूम दिखाएगा भाई हमारे। अच्छा, ओ चलिए सर, डाइनिंग रूम यार उनको ना, जो मेरे गेस्ट आज उनको वाला रूम दी, ठीक है ठीक है, ठीक है, जो भी ठीक लगेगा। हाँ जी, हाँ जी, ये टैरिस है ऊपर? हाँ, ऊपर है ना, स्टाफ के लिए। यार रूम दिखाया था ना, ये नहीं दिखाया।
नहीं, ये दोनों नहीं है, है? आपका 203 एंड 204 दो रूम है ना आपका? एक ही रूम है यार। अच्छा हाँ जी, एक ही रूम है, दिखा देंगे जो पसंद आएगा आपको उसी में स्टेक रहेंगे आपको सर। ये शेफ साहब ये जी, ओके शेफ, वो हमारे शेफ है ना। मेरा नाम है दानिश शर्मा फ्रॉम सोलन अर्की, अर्कीरा पाऊ, कहाँ का पाऊ? जो खाना बनाएंगे आपको बहुत बढ़िया खिलाएंगे, जब भी आओ भैया हमें जरूर याद करना। लोकल में क्या खिला सकते हैं आप? लोकल में बना रहे तो कुछ फूड वगैरह लोकल में? क्या लोकल में? तो जैसे सिद्धू वगैरह, सिद्धू वगैरह है। ओके तो भाई ये देख लो, इधर फोकस करो जरा, फोकस। जी जी जी, ये लोकल में सिड्डू बना के आपको खिला सकते हैं। अब सिड्डू की चीज क्या आता है वो बताएंगे आप मेरे को, किस चीज का होता है सिड्डू? सिड्डू तो सब जैसे काजू हो गया, बादाम हो गया, लेकिन नहीं उसके उस करके। सिड्डू के अलावा और क्या खिलाएंगे? सिड्डू के साथ शायद घी भी देते हैं घी के साथ ना। तो आपका जो सिड्डू का जो प्राइस है कितना रहने वाला है? वो एक सिड्डू का प्राइस कितना होता है? प्राइस तो इसमें अच्छा मेन्यू में नहीं लिखा हुआ है, कोई आउट ऑफ मेन्यू है लोकल बाकी तो शिमला का आप खुद ही जाए शिमला का। अच्छा चलो ठीक है, चलो आपका ओके सर, ला दो मेरे को ठीक है जी। और डाइनिंग रूम, डाइनिंग रूम जी, आपको डाइनिंग रूम भी दिखाता। अबे भैया मेरी शक्ल भी दिखा जी, आप आपको दिखा रहा हूँ। तो ऐसा ना करिए यार। नहीं सर, आपको डाइनिंग रूम भी दिखाते हैं। ये हमारा डाइनिंग रूम, क्या बात है। यहाँ ये हमारा इनका काउंटर है, यहाँ पे एंट्री होगी। अच्छा ये आपका काउंटर है जी? ये काउंटर है, यहाँ एंट्री होगी। जो भी आप जब भी चेक इन करोगे तो सबसे पहले आपको पता होटल के रूल्स क्या होता है, आपको अपना आईडी प्रूफ देना पड़ेगा, आधार कार्ड चाहिए सर, फॉर्म वो भरना पड़ेगा। वो ये इनका फ्रंट ऑफिस और एडल्ट और एक्टिविटीज है, कुछ इंडोर गेम कैरम, इंडोर हाँ जी कैरम बोर्ड है अभी तो, बाकी देखे थे टेनिस है। ये टेनिस अभी सफाई किया है इसलिए चेयर मेंटेन रखे हुए, रूम साफ रखे हुए, नीट एंड क्लीन रखे हुए। ये इनका डाइनिंग एरिया और ये है इनका फिश, आटा वाटा रखा हुआ इनको? हाँ जी हाँ जी। अच्छा इनके लिए फूड अलग आता है ना, है हमारे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया ठीक है, बहुत अच्छा बनाया हुआ भाई, जबरदस्त है। ओके सर, लग रहा है आज स्विमिंग पूल, बस यही अभी फिलहाल वीडियो स्टॉप कर देता हूँ मैं, और शाम को गेस्ट आएगा मेरा, चेक इन होगा। तो अभी टाइम कितना हुआ शेर साहब, टाइम कितना हुआ है? अभी सर टाइम हुआ है हमारा 11:54, 12 बजने वाला है, 12 बजने वाले, तो 12 बजने वाले हैं। तो अब 12 बजे के बीच का जो भी ब्लॉग बनेगा मैं कोशिश करूंगा दिखा दूंगा। फिलहाल अभी मैं यहाँ पहुंचा सोलन के साथ वार्तालाप करता हूँ और कोशिश करता हूँ और क्या होने वाला है, ठीक है जी सर। सो मच ओके जी।